पिछली बार हमने बात करी नाक से खून आना बच्चों में, अब हम बात करते हैं बड़ों में। बेशक बड़ों में अगर नाक से खून आ रहा है तो इसका 90% कारण ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया, 180 के ऊपर गया, नाक की नस फट गई और ब्लड आने लगा, तो सबसे पहले हमें अपना रक्तचाप ठीक करने की जरूरत है। हम नमक कम खाएं, मिर्चा मसाला कम खाएं और ब्लड प्रेशर की दवाइयां शुरू करें। लेकिन अब खून आ रहा है तो क्या करें? तो एक तो नाक बंद करें, बर्फ रखें, ये दो चीजें का तो हम लोग इमीडिएटली करें, और फिर किसी नाक कान गले वाले के पास जाएं, वो आपकी सीटी स्कैन और नेजल एंडोस्कोपी दूरबीन से नाक की जांच करेगा, देखेगा कहां से खून आ रहा है और उसको बंद किया जाएगा। अब बड़े अच्छे फोम आ गए हैं जिनको नाक में डाल दिया जाता है और 3-4 दिन में स्वतः वो हिस्सा ठीक हो जाता है। या बिजली से इलेक्ट्रिक कॉटरी करी जाती है, केमिकल कॉटरी करी जाती है और ये बंद हो जाएगा। ज्यादा अगर खून आता है तो उस नस को बांध दिया जाता है। तो सारी चीजों का समाधान है, हम घबराए नहीं। कभी भी नाक से अगर खून आए तो हम घबराए नहीं, लेटे नहीं, क्योंकि जब आप लेटेंगे तो खून फिर गले में जाएगा, गले से खाने की नली में जाएगा। तो आप बैठे रहें, बैठे हुए नाक को बंद कर लें और बर्फ से सिकाई करें। ये दो काम जब आप शुरू में करेंगे तो घर पे ही खून काफी कम हो जाएगा। धन्यवाद।